ने 15 मई को राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन फिर जांच की तारीख टाल दी। अंत में आज जयंत पाटिल पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पेश हुए हैं। ईडी द्वारा IFSC कंपनी के संबंध में ये नोटिस भेजा गया है। यह जानने के बाद कि जयंत पाटिल आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय जाएंगे, पाटिल के समर्थकों ने राज्य में आंदोलन शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आज चंद्रपुर में भी आक्रामक दिखाई दिए। चंद्रपुर के वरोरा नाका चौक पर राष्ट्रवादी पार्टी ने जमकर विरोध किया। ईडी की कार्यवाही के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध दर्शाया। साथ ही इन कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के वतीन निषेध प्रदर्शन चंद्रपुर इथे होऊन राहिला। महाराष्ट्र मध्ये आणि देशामध्ये जेव्हा जेव्हा भारतीय जनता पार्टीला असं वाटते की हा नेता आमच्यावर मजबूतीने उभा आहे आमच्या विरोधात, तेव्हा तेव्हा त्या नेत्याला ईडीचा दोष दाखवून त्याची त्याला नोटीस पाठवून त्याच्यावर मानसिक दबाव आणण्याचं किंवा बदनामी करण्याचं हे जे प्रयत्न आहे हे भारतीय जनता पक्षाचं काही नवीन नाही, जुनं आहे। पण आज या ठिकाणी आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जयंत पाटील साहेबांना। चंद्रपूरचे सुनील तायडे की स्पेशल रिपोर्ट।